दोस्तों, श्री राम का व्यक्तित्व हर मनुष्य के लिए एक प्रेरणा है, जिसे वो अपनाकर अपना जीवन सुखद बना सकते हैं। और उन सभी राम भक्तों के लिए आज हम एक ऐसा सवाल लेकर आए हैं जो कई रहस्यों से भरा हुआ है। वो है श्री राम की आयु का रहस्य कि क्या सच में श्री राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर शासन किया था। अगर ये सच है तो क्या फिर महाभारत तक जीवित थे श्री राम? इन सभी रहस्यों से भरे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि श्री राम ने 11,000 वर्ष तक अयोध्या में राज किया था, लेकिन श्री राम की आयु के विषय पर वाल्मीकि एवं रामायण काल के इतिहासकारों की अलग अलग राय है। इतिहासकारों के अनुसार श्री राम का जन्म 5114 ईसा पहले 10 जनवरी को दिन के 12:05 पर हुआ था, और जबकि वाल्मीकि के अनुसार उनका जन्म 7323 ईसा पहले दिसंबर में हुआ था। अगर इस संबंध में इतिहासकार प्रोफेसर तोबेयस की माने तो श्री राम का जन्म 7130 वर्ष पूर्व अर्थात 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व हुआ था। इस कथन को इसलिए भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि ज्यादातर शोधकर्ता प्रोफेसर तोबेयस के शोध से सहमत होते हैं। अगर हम इसमें 2022 को जोड़ते हैं तो ये पता चलता है कि आज से करीब 7135,000 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था। तो फिर श्री राम किस तरह 11,000 वर्ष तक अयोध्या पर राज कर सकते थे? अब हम श्री राम की आयु को समझने के लिए महाभारत काल की ओर बढ़ते हैं। तो उसके मुताबिक श्री राम के पुत्र कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य, जो कि नकुल और सहदेव के मामा थे, वो आते हैं। और अगर ये बात सही है तो कुश का जन्म आज से 6500 से 7000 वर्ष पहले हुआ था। इस मान से भी श्री राम का जन्म वही आज से 7000 वर्ष पहले का ही निकलता है। श्री राम की अब तक के वंश को जोड़ने पर भी ये सिद्ध नहीं होता कि उन्होंने 11,000 वर्षों तक राज किया था। यदि ऐसा होता तो वे महाभारत के युद्ध में श्री राम मौजूद होते, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर वाल्मीकि रामायण या आधुनिक शोध दोनों ही असत्य हैं। तो दोस्तों, इन सब से यही पता चलता है कि अभी भी हमें श्री राम की आयु के बारे में शोध करने की जरूरत है ताकि हम सही ज्ञान दुनिया तक पहुंचा सकें। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस विषय पर अपनी राय भी अवश्य दें। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।